और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर मंदसौर से है, जहां पर मध्य प्रदेश जिला पेंशनर एसोसिएशन विद्युत मंडल द्वारा कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में 16 सूत्रीय मांगों को रखा गया और इस दौरान ज्ञापन पर अध्यक्ष एवं सचिव महोदय ने यह बताया कि हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया तो ये धरना जो है वो उग्र रूप से चलेगा। ये माननीय जिलाधीश महोदय और हमारे अध्यक्ष को दिया गया है और ये हमारी डिमांड की बात बहुत पेंडिंग करी है। दो साल तीन साल तक सरकार सुनी है। महंगाई भत्ते के मामले में राज्य सरकार के पेंशनरों को 28% दे दिया गया अभी तक और मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारियों को 22% दिया। मैंने उनको कई दफे डिमांड करने के बाद भी वो हमारी बात तो नहीं सुन रहे। मजबूरन हमको रोड पे आना पड़ा। जो 88,000 का आदमी है वो भी रोड पे आके अपनी मांग को तो हमें मध्य प्रदेश शासन को निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारी मांग जो है मंजूर की जावे। हमारा छठा वेतन मान का एरियर जो अभी तक पेंडिंग पड़ा 32 महीने का, 7 महीने का 27 महीने का एरियर वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ, सबको दे दिया गया। पेंशनरों का बाकी उनको नहीं दे रहे थे तो हमने क्या गुना किया? जब हमारी डिमांड है, जब हमारा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और छत्तीसगढ़ विभाजन हुआ था उसको धारा 49 में रख के एक कर रखा, दोनों सरकारें नूरा कुश्ती करती है और आपस में धारा को खत्म नहीं करती है। IAS अधिकारियों को पेंशन मिलती है, वहाँ के विधायक और यहाँ के विधायक को मिलती है और पेंशनरों को भी धारा 49 हट रही है, वो नहीं हटा पा रहे। तो हमारा इसका बहुत बड़ा विरोध है कि ये धारा समाप्त। विद्युत मंडल जो था अभी कंपनीकरण हो चुका उसका, हमारे सभी पेंशनर साथी जो 16 सूत्री मांग है उसमें मैंने हमारी 38% डीए की जो केंद्र के समान देना है और 16 सूत्री पूरी मांग है जो अभी तक इनने जो है लेट लती भी की है और हमारे साथ कुठाराघात कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने 5 दिवसीय धरना भी हमारे चंबल कॉलोनी अधीक्षण यंत्र के सामने रखा था, जो 5 दिवस पूर्ण होने के बाद हमने प्रशासन को भी इसकी काफी दी है जो अभी आपको खुद को विदित है और इसमें हमारी 16 सूत्री मांग है। और एक बात और है कि मंडल जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारी विभाजित हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे मंडल कंपनी का ऐसा कोई नियम नहीं है कि धारा 49(6) इसमें लागू की जाए, लेकिन धारा 49(6) का ब्यौरा देकर हम लोगों को भी हमारे साथ में कुठाराघात किया जाता है और बार बार हमें आवेदन निवेदन करना पड़ता है। यहाँ पर जो निर्णय हुआ था 5 दिवसीय धरना का वो हो चुका है और हमने प्रशासन को अभी अवगत कराए हैं हमारी मांगों को लेकर और ज्ञापन दिया है और 24 तारीख को हम लोग भोपाल प्रस्थान करेंगे। सभी कर्मचारी वहाँ उपस्थित होंगे और जबरदस्त इस धरने को रैली में तब्दील कर वहाँ पर मंडल प्रशासन को और शासन को वही खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर 17 साल के निधि गुप्ता को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी सुफियान पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। दुबग्गा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सुफियान को गिरफ्तार कर लिया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी पुलिस ने सुफियान पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। सुफियान की गिरफ्तारी के 5 टीमों का गठन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के बाहर जाने की आशंका लगातार जताई जा रही थी, हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते आरोपी लखनऊ से बाहर नहीं भाग सका। एक युवती का हत्या के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमें गठित की गई थी और तमाम हम लोगों का ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन। आज मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सुफियान का गिरफ्तारी किया गया है और इस मुठभेड़ के बाद उसको ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। सर कहाँ छुपा हुआ था इतने दिनों से, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि पिछले 72 घंटों से गायब है। अभी गायब था तो यदि इसको हम लोगों ने यहाँ मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है और अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल्ड इसमें गहराई से इसका पूछताछ किया। क्या जवाबी फायरिंग भी की थी इसने? हाँ, जवाबी फायरिंग उसी में आत्मरक्षण में जो पुलिस ने फायरिंग किया गया है उसमें पैर को चोट लगी है। सर कुछ बताया कि अभी अभी भेजा गया है हॉस्पिटल और थोड़ी देर के बाद इसमें गहराई से उनमें पूछताछ की जाएगी।
वहीं खबर कुशीनगर से है, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासन द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली एवं पिकअप वैन में सवारी ढोने के रोक के बावजूद विभाग के जिम्मेदार मासूम छात्रों को इन गाड़ियों में लाद कर ले जा रहे हैं। जिला क्रीडा प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे इन मासूम छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ विभाग के जिम्मेदार ही कर रहे हैं, जिन्हें इन मासूमों को सुरक्षित ले जाने और लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने छात्रों के आने जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाने की बात कहते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वैन से बच्चों को लाने का मामला सामने आया है और इस मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश है सरकार का कि ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग नहीं हो सकता जी। आप यहाँ बच्चे का सुधार करने आ रहे हैं कि क्या कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसी कोई संज्ञान मेरे आता है ऐसी कोई बात, हम जरूर उसके कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में हम जांच रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद जो दोषी होगा पढ़ाई। जो वीडियो है ऐसी कोई भी जो भी चीजें क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में ये बातें कही गई थी, बच्चों को लाने को लेने की जिम्मेदारी, तो जो भी उसमें दोषी होगा जरूर। वही खबर एटा से है, जहां पर यातायात जागरूकता माह के तहत यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है। वाहन स्वामियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। दैनिक चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न वाहनों के 75 चालान पर 71,000 रुपए का जुर्माना जो है वो वसूला गया है। वही खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां पर बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक जो है वो गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बिजली की चपेट में आने से 5 मवेशियों की भी मौत हुई है। पूरा मामला खजुराहो थाना क्षेत्र के खरोही गाँव का है। तो बड़ी लाइन टूटी है, इसको रात में टूटी हुई शाम के 4 बजे तार पे गिरने के बाद वो लाइट सब फैल गया। सुबह हमारे बहन माल से निकाल गई थी, निकले वहाँ टट्टी लेटिंग वगैरह निकली हुई, सुबह उतने बीच में कुछ जानकारी आती, सुबह उतने में चिपक गई। अच्छा, मुआवजा कुछ देने की बिजली विभाग की तरफ से कुछ बात हुई है क्या? अब वही मतलब घर वाले जो के वालों के क्या जो लापरवाही सरकारी उनकी है बिजली विभाग में, ये करीब सवेरे के टाइम पे या रात को टूट गया था तार, तो वो उसमें मतलब सुबह फ्रेश होने गए थे, वो मतलब बुआ जी हमारी वो, तो वहाँ पे वो तार टूट गया, उस वजह से बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये हादसा हो गया। हाँ, वो एक्सपायर हो गई। कितने लोग इस हादसे में घायल? घायल एक जन और हैं यादव जी, वो घायल हुए हैं, वो अभी छतरपुर में एडमिट है और ये तत्काल पे इनकी डेथ हो गई है। और साथ में 5 जानवर भी हैं, मवेशी गाय, तो वो भी मतलब मृत हो गई वहाँ पे। अधिकारी, ये अधिकारियों की लापरवाही है और अधिकारी ही इस पर ध्यान नहीं देते। हमारे गांव में और भी ऐसी एक दो जगह हैं, थोड़ा हमारे यहाँ बगल से ही मतलब इतनी नीचे लाइन है, यहाँ पे हम आपको दिखवा भी देते हैं कि वहाँ पे भी किसी भी दिन हादसा हो सकता है जी। जो विभाग की तरफ से शासन के नियमानुसार जो भी मुआवजे की राशि होगी, संपूर्ण लिखा पढ़ी जांच और मौका मुआयना के बाद जो जानकारी यहां से जांच प्रतिवेदन बनकर जाएगा, उसके उपरांत जो भी नियमानुसार राशि शासन द्वारा स्वीकृत होगी वो अवश्य मिलेगी। सर, नहीं, ये अतिशीघ्र चेंज हो जाएंगे। पहाड़ी भवन में आपकी खबर भी देखी हमने, ग्रामीण जन भी हमें मैसेज किए तो गए देखे वहाँ, क्योंकि वो स्कूल के पास वाला खंभा एक क्रैक है, उसको शीघ्र बदला दिया जाएगा। वो अभी स्टे के सहारे मजबूती से टिका हुआ है, लेकिन उसको अतिशीघ्र बदला दिया जाएगा। वो बड़ी लाइन टूटी है, इसको रात में जितनी टूटी हुई।
वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव भारत जोड़ एवं संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए नगर निकाय चुनाव की तैयारियों एवं संगठन की गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव नजदीक है, निकाय चुनाव में कांग्रेस जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए सभी को साथ लेकर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी जनता में दिखने लगा है, आने वाला समय कांग्रेस का है। से हमने अपने साथियों को बुलाया था, उस मकसद की सारी जानकारी उनके बीच में रखी है। हमारे तमाम साथी हमारे आने वाले इस नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव में बड़ी ताकत के साथ हिस्सेदारी लेकर के आने वाले चुनाव में भाजपा को उठने बिठाने की जिम्मेवारी लेकर के काम। अच्छा, अभी यूपी में एक सांसद को मिलाया गया, इस दूरी को कैसे पाटे गए? जब तराजू में बराबर का प्रसंग होता है तो 2 ग्राम वजन रखने के बाद पलड़ा इधर उधर हो जाता है। हमने जो रणनीति तैयार की है, कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है, आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनाएगी 200 की बात अलग होगी। कहती है भारत जोड़ो यात्रा है, आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का इस देश में माहौल पैदा किया है, राहुल गांधी जी ने उस माहौल को सुधारने का चैलेंज स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रही है। राहुल गांधी जी उसको प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे देश बच सके। देश में जिस तरीके की नफरत है, देश में जिस तरीके का अत्याचार है, देश के अंदर जिस तरीके का महंगाई और बेरोजगारी है, इन सबको ध्यान में रख करके राहुल जी ने जब सदन में चर्चा करनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन से भागती नजर। वही खबर बांदा से है, जहां पर अनियंत्रित डंपर ने साइकिल सवार मां बेटी को कुचल दिया और इस दौरान हादसे में दोनों की मौत हो गई है। वहीं घटना से आक्रोशित तो लोगों ने जमकर बवाल काटा और वाहनों में तोड़फोड़ की है। आक्रोशित तो लोगों ने कुछ वाहन चालकों के साथ मारपीट भी की है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अधीक्षक, SDM, सदर सिटी मैजिस्ट्रेट सहित भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देकर जान खुलवाया गया। खड़े थे पीएलडी वाले जो सफेद वर्दी का था, वहाँ किनारे खड़ा था। बाईपास से अलग इंसिडेंट होने के बाद हमने कहा भाई साहब आप फोन मिला चाहती तो इसलिए मुझे गिरफ्तार दिया, चाहे हम निकल तो फिर भाई एक घंटे हमने ड्राइवर हमें अपने आप पकड़ के खींचा, मैं कहा मेरे बच्चों की भिजवाया जाए और मानने से कोई मतलब नहीं है, मानने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमने चले गए बताने चले, जितने में आप लोग पुलिस सहायता हमारे लिए आ गई, आ गई सहायता किया। कितने लोग मर गए? दो लोग कहाँ के हैं? ये मवाई के हैं। मवाई के किस जगह घटना हुई है? ये बाईपास ठेला और मोटरसाइकिल में होते साइकिल में किसकी लापरवाही दिख रही? लापरवाही ठेला वाले की थी और साइकिल वाला किनारा जा रहा था, ठेला वाला अचानक नहीं आ गया, अचानक झोंक दिया। यहाँ मवाई बाईपास के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक गाड़ी ट्रक से कुचल कर दो लोगों की मृत्यु हो गई है। तत्काल जो है इस सूचना पर सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पर आ गए हैं, बॉडीज को मॉर्चरी भिजवा दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कानून व्यवस्था सामान्य है। मतलब क्या कुछ मांगे हैं क्या परिजनों की? परिजनों का कहना था कि उनको जो भी आर्थिक सहायता मिलनी है उनको जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए, जो कार्रवाई है विधि को प्रभावी हो जाए, उन सभी चीज़ों पर उनको आश्वासन दिया गया है और उन सभी चीज़ों पर कार्रवाई की। वही खबर जालौन से है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद है। जालौन नगर के आसपास गांव में मिट्टी का खनन जोरों पर है। आरोप यह है कि अधिकारियों की मिली भगत के चलते मिट्टी का खनन किया जा रहा है। वही खबर जालौन से है, जहां पर न्यायालय के बाहर से अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल पर अपना हाथ साफ कर दिया। दहेज प्रथा की तारीख पर आए प्रार्थी ने जब अपनी बाइक को वहां नहीं देखा तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। तो मुकदमा चल गया मेरे बच्ची का, तो हम तारीख पे आए थे मुकदमा में,
गाड़ी हमने खाली कर दी, मेरा नाती था साथ में और अंदर चलेगा ये बंद गाड़ी चोरी हो गई। उसके बाद गाड़ी नहीं मिली? नहीं मिली गाड़ी। हमने खाना था, खाने में रिपोर्ट लिखाई तो थाने वाले तुम्हारी कोशिश करेंगे हम। उसके बाद मुकदमा कब से चल रहा है लड़की का तुम्हारी? लड़की का चार साल हो गए। चार साल हो गए? हाँ, चार साल। तो किस काम के लिए आई थी? जी मुकदमा चल रहा है, तारीख भी आए थे। मुकदमा आपका क्या है? 498 का। आपको कौन लेके आया था? मेरा बहन का लड़का, बहन आता है। जी इसकी खाला है जो उसको लेके आया था ये लड़का ग्राम कोठी नेनावली से, तो वहाँ से उसका मुकदमा 498 का चल रहा है ससुराल वालों से। तो यहाँ ये लड़का 1 बजे करीब यहाँ आया तो इसने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। तो इसके बाद जब ये अंदर से आया तो इसकी गाड़ी यहाँ नहीं मिली। तो इसके बाद इसने थाना अध्यक्ष जी को जाके अपनी रिपोर्ट लिखाई थाने में जाके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अभी तो रिपोर्ट लिखा दी, अब कोई आएगा समझ में तो। वही खबर मध्य प्रदेश के गुना से है जहां पर भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने वृहद बैठक को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही 2 नए प्रयोग करने जा रहे हैं। बूथ की कार्यकर्ताओं से लेकर सभी कार्यकर्ताओं को काम मिलेगा। जिला एवं मंडल से लेकर बूथ तक प्रभारी माह में एक बार बैठक जरूर हो और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन खेल कूद के साथ मैत्री भाव बनाकर काम करना है। मध्य प्रदेश में हमको 165 सीटों को क्रॉस करने का लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।